तो आप सबको जोहार। मैंने फिल्म देखी है मैंडी, और मेरी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, और क्या ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, चलिए इसी बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये एक रिवेंज बेस्ड फिल्म है जहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है कैरेक्टर जो कि अपनी वाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहा होता है, लेकिन एक रात में ही उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। कब? जब कुछ सनकी लोग आकर उसके घर पर हमला कर देते हैं और उसकी वाइफ को मार देते हैं, जिसे वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। अब बात है बदले की, तो क्या वो उन लोगों से बदला ले भी पाएगा या फिर नहीं, यही हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर फिल्म की स्टोरी जैसा कि मैंने आपको बताया, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि फिल्म की कहानी में उतना ज़्यादा दम है नहीं, और यहाँ पर ये फिल्म आपको कुछ भी नया, कुछ भी अलग और कुछ भी खास ऑफर तो नहीं करने वाली है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये एक खास और एक देखने लायक फिल्म है। क्यों? तो देखिए, यहाँ पर इस फिल्म की अगर मैं पहले कुछ कमियों की बात करूँ, तो वो ये है कि फिल्म की शुरुआती जो 30 मिनट है, वो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा स्लो लगे, या फिर आपको शुरुआत के 30 मिनट कुछ समझ ही ना आए कि ये फिल्म हमें दिखाना क्या चाहती है, और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये फिल्म थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट करती ही करती है। लेकिन आपने अगर शुरुआत के 30 मिनट किसी भी तरीके से झेल लिए, तो उसके बाद तो ये फिल्म आपको कुछ अलग ही देने वाली है, जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा मैं एक और कमी की बात करूं, तो वो ये है फिल्म के डायलॉग्स एक तरीके से बेजान और बेकार से ही लगते हैं। हालांकि मैंने इंग्लिश वर्जन नहीं देखा है, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी वर्जन की, मुझे इंग्लिश वर्जन का फिलहाल तो पता नहीं है। अगर मैं बात करूँ हिंदी वर्जन की, तो इसके डायलॉग्स, फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं, और इसी वजह से हम कैरेक्टर के दर्द को तक समझ नहीं पाते हैं। कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसकी तकलीफ क्या है, उसकी परेशानी क्या है, किससे हमें नफरत करनी चाहिए, कहाँ मज़ा आना चाहिए, कहाँ हमें दुख होना चाहिए किसी कैरेक्टर के लिए, यह हमें समझ ही नहीं आता। क्योंकि फिल्म में जिस तरीके से डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं, उसको देखकर, उसको सुनकर आपको, आपके मन से कोई रिएक्शन निकलेगा ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार और फालतू से डायलॉग्स हमें पूरी फिल्म में देखने को मिलते हैं। हालांकि फिल्म में ज़्यादा डायलॉग्स हैं नहीं, लेकिन इसके बावजूद जितने हैं वो इतने कुछ खास नहीं है। इसके अलावा मैं एक और कमी की बात करूँ, तो फिल्म में जो हमको अजीबोगरीब कुछ लोग देखने को मिलते हैं, कुछ सनकी पागल लोग, ये कहाँ से आए हैं, इनका एक तरीके से वजूद कहाँ से शुरू होता है, ये कहाँ से हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, इसके बारे में कोई ज़्यादा ठोस जानकारी हमको मिलती नहीं है फिल्म के अंदर में, और उसी वजह से थोड़ी बहुत ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है। अगर हम अब बात करें फिल्म की खासियत की, तो फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इसीलिए मैंने कहा था कि फिल्म की स्टोरी में दम ना होने के बावजूद भी, फिल्म में कुछ भी खास ना होने के बावजूद भी, ये फिल्म एक अच्छी देखने लायक फिल्म बन जाती है। इसके अलावा फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है। एक और खासियत की बात करूं, तो ये है कि फिल्म में जिस तरीके से हमें एक्शंस दिखाए गए हैं, वो लाजवाब है। फिल्म में हमें ब्रूटल एक्शंस देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इस फिल्म में खून खराबा बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है। तो अगर आप इस तरीके की फिल्मों को देखने में कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म को अवॉइड करना, क्योंकि इस फिल्म में इतना ज़्यादा खून खराबा दिखाया गया है कि हो सकता है कि आप देख ही ना पाओ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ इस फिल्म में आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे भी सीन्स देखने को मिले जिसको आप हो सके सबके साथ ना देख पाओ। यू नो व्हाट आई मीन, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस फिल्म में कुछ वैसे भी सीन्स हमको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तीसरा और इस फिल्म का सबसे ज़्यादा खास पॉइंट जो कि इस फिल्म को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता है, वो ये है कि इस फिल्म की जो एडिटिंग है, वो कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग ही ढंग से की गई है, और उसी वजह से ये देखने लायक खास फिल्म बन जाती है। यही सबसे बड़ी खासियत है इस फिल्म की, जो कि मुझे खासकर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि फिल्म को जिस तरीके से कुछ अलग ही अंदाज में एडिट किया गया है, मैंने इससे पहले किसी भी फिल्म में ऐसा देखा नहीं है, जो कि मुझे इस फिल्म में देखने को मिला और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यही वजह है कि फिल्म मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और फिल्म देखने लायक तो है ही है। तो फिल्म में दो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे, जिस वजह से मैं आपको ये फिल्म रिकमेंड कर सकता हूँ। पहला है फिल्म के ब्रूटल एक्शंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग, बहुत ही ज़्यादा हटकर और देखने लायक है। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ अलग ही हटकर हमें दिखाया गया है फिल्म में, और उसी वजह से ये फिल्म एक देखने लायक फिल्म बन जाती है, भले ही फिल्म की स्टोरी में दम ना हो और फिल्म में हमको कुछ खास अलग देखने को ना मिले। तो मैं
यही कहूंगा कि ये फिल्म भले ही सबके देखने लायक की फिल्म नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एक्शन थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है, बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार। और ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। जोहार।